साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जब से नवाब मलिक पर ईडी ने शिकंजा कसा है तब से ही मलिक को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। मलिक को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। हाँ, मलिक की पार्टी एनसीपी भले ही शुरू शुरू में बयान देती रही कि मलिक को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, मगर अब तो एनसीपी ने भी मलिक के बारे में या मलिक का पक्ष लेना लगभग बंद ही कर दिया है, क्योंकि अब सबको एहसास हो चुका है कि मलिक का बचना मुश्किल है। मगर अब पहली बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से न सिर्फ नवाब मलिक को लेकर बल्कि मलिक के डी गैंग से कनेक्शन को लेकर भी काफी कुछ कह दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ईडी की कार्रवाई और हाल ही में की गई कोर्ट की टिप्पणी पर भी बहुत कुछ कह दिया। तो मलिक के डी गैंग लिंक पर क्या है महाराष्ट्र सरकार का रिएक्शन? क्या महाराष्ट्र सरकार को पहले से पता था मलिक के लिंक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है? क्या कुछ कहा महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और मलिक के डी गैंग कनेक्शन पर अपनी राय जरूर दें। तो धीरे धीरे सब तरफ से नवाब मलिक अकेले पड़ते जा रहे हैं। सरकार में वो सिर्फ नाम के मंत्री रह चुके हैं, कब हटा दिया जाए कुछ भी पता नहीं है। आगे कभी राजनीति में सक्रिय रह पाएंगे या नहीं ये कहा नहीं जा सकता। वहीं ईडी ने सारी संपत्तियों को सीज करके तो मलिक को बड़ा झटका दे ही रखा है। परिवार में भी मलिक को लेकर एक राय नहीं है, मतलब धीरे धीरे मलिक का साथ सब छोड़ते जा रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री मलिक को लेकर सामने नहीं आया था, डायरेक्टली किसी ने भी मलिक को लेकर कुछ नहीं कहा था, मगर अब पहली बार महाराष्ट्र सरकार में होम मिनिस्टर दिलीप वासले पाटिल ने मलिक को लेकर और मलिक के डी गैंग लिंक को लेकर काफी कुछ कह दिया। तो ई टाइम्स को दिए हालिया इंटरव्यू में गृह मंत्री दिलीप वासले पाटिल ने कहा कि वो मलिक को आज से नहीं जानते बल्कि कई दशकों से जानते हैं। पाटिल ने कहा कि मलिक अपने काम में और अपने मंत्रालय में हमेशा अव्वल रहे हैं, वो हमेशा से लोगों के उत्थान के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, मगर इस तरह मलिक के जेल जाने से हम सब हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। यहाँ आपको बता दें, दिलीप वासले पाटिल को उस वक्त महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाया गया था जब पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी कि पाटिल देशमुख की जगह पर आए हैं। पाटिल ने इंटरव्यू में आगे कहा, मलिक का डी गैंग के मुखिया से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मलिक और हसीना पारकर के बीच लैंड डील हुई थी या नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराना मामला है। हाँ, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मलिक का दुबई के डॉन से कभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आगे कहा, पिछले दिनों मलिक ने कई जाँच एजेंसियों और केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ा दी थी, उसी वजह से मलिक के खिलाफ इस तरह की जांच बिठाई गई है और जबरन मलिक का नाम, मलिक का संबंध डी गैंग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाटिल ने आगे कहा, ईडी भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है ताकि महाराष्ट्र सरकार और उनके मंत्रियों को बदनाम किया जा सके। अब पाटिल का बयान ठीक उस वक्त आया जब कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र के हिसाब से माना कि मलिक का संबंध डी गैंग से रहा है। जब कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि ईडी की चार्जशीट से लगता है कि मलिक का दाऊद की बहन हसीना पारकर से कई बार मिलना जुलना हुआ था, कई बार दोनों की मुलाकात हुई थी, कोर्ट ने तो मलिक पर ट्रायल तक की बात कह दी। अब कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो महाराष्ट्र सरकार में उथल पुथल मचनी ही थी और वो सब कुछ सामने भी आ रहा है। वहीं विरोधी पार्टी बीजेपी ने भी लगातार हल्ला बोल रखा है, लिहाजा पहली बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना रिएक्शन मलिक के मामले में और मलिक के डी गैंग लिंक पर दिया। अब फिलहाल तो पाटिल मलिक का साथ दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं और ईडी के आरोपों का खंडन कर रहे हैं, मगर ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र सरकार कोर्ट की टिप्पणी के बाद बुरी तरह डर चुकी है? क्या जल्द ही महाराष्ट्र सरकार मलिक को लेकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। वाकई में जेल ऐसी जगह होती है जहां पर किसी की भी हालत खराब हो जाए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक जेल की चार दीवारी में काफी दिन गुजार चुके हैं और वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि जेल में कैसे दिन बिताने पड़ते हैं। फिलहाल तो मलिक भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर पंजाब के पटियाला जेल से भी मिल रही है।
जहां पर हाल ही में शिफ्ट किए गए आरोपी नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत 3 दिन में दूसरी बार बिगड़ गई है और उन्हें 3 दिन में दूसरी बार अस्पताल भी ले जाना पड़ा है। अब नवजोत सिंह सिद्धू को भला कौन नहीं जानता। क्रिकेट के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले सिद्धू कॉमेडी में भी खूब तालियां बटोर चुके हैं, साथ ही साथ राजनीति के मैदान में भी कईयों के छक्के छुड़ा चुके हैं, मगर फिलहाल तो खुद सिद्धू के छक्के जेल में छूटे हुए हैं। तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में बंद है। वो 33 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से इनकार कर दिया, जिससे उनकी तबीयत पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। असर भी इतना ज्यादा पड़ा है कि उन्हें सोमवार की सुबह आनन फानन में पटियाला जेल से राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनके कई तरह के मेडिकल चेकअप्स किए गए। करीब 4.5 घंटे तक सिद्धू के अलग अलग मेडिकल चेकअप्स किए गए, जिसके बाद उन्हें फिर से पटियाला की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा मेडिकल बोर्ड का सिद्धू के लिए अलग से गठन किया गया और ये मेडिकल बोर्ड सिद्धू के लिए डाइट प्लान तैयार करेगा। दरअसल खबरें आ रही है कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, ऐसे में उन्होंने जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया। वे जेल की दाल रोटी नहीं खा रहे, वे सिर्फ सलाद खाकर गुजारा कर रहे हैं। सामने आया है कि सिद्धू को दूसरे दिन पता नहीं था कि जेल में जो रोटी मिलती है वो गेहूं से बनी होती है और सिद्धू ने गलती से उस रोटी को खा लिया, जिससे उन्हें भयंकर एलर्जी है। सामने आया है कि सिद्धू को गेहूं से इतनी एलर्जी है कि इससे उनकी लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। इसे देखते हुए सिद्धू ने जेल प्रशासन से स्पेशल डाइट की मांग भी की है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र ढल्ला ने बताया कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, वो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते। पिछले कई सालों से वो गेहूं से बनी रोटी खा ही नहीं रहे, इसीलिए उन्हें स्पेशल डाइट दी जाए। इसके बाद उन्होंने मेडिकल के दौरान भी जानकारी दी कि उन्हें गेहूं से सख्त एलर्जी है और जेल में बनने वाली रोटियां गेहूं से बनी होती है, इसीलिए सिद्धू ने अपने लिए स्पेशल डाइट की भी मांग की है। खैर फिलहाल तो कोर्ट के आदेश के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद उन्हें फिर से पटियाला की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वैसे बता दें आपको कि 3 दिन में ये दूसरा मौका है जब सिद्धू जेल से अस्पताल पहुंच गए। पहले दिन जिस दिन उन्हें जेल में शिफ्ट किया गया था, उस दिन सिद्धू ने अपने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और अब तीसरे दिन गेहूं से एलर्जी के बाद भी सिद्धू को फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को साल 1988 के एक रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। दरअसल सिद्धू ने अपने किसी एक दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की सड़क पर पिटाई कर दी थी, इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि उस वक्त रिपोर्ट में सामने आया था कि उस शख्स की मौत पिटाई से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई थी। इस मामले में सिद्धू को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद सिद्धू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी। 15 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इसके बाद पीड़ितों ने मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करा दी और जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। अब सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट की भी शरण ले चुके हैं, लेकिन वहां से भी सिद्धू के लिए राहत की खबर नहीं है। फिलहाल तो खबर यही है कि सिद्धू को हो सकता है कि 1 साल पटियाला जेल में ही काटना पड़े और इस दौरान सिद्धू को आदत हो जानी चाहिए जेल के खाने की भी, क्योंकि 1 साल जेल में रहना है तो खाना ही पड़ेगा। खैर फिलहाल तो सिद्धू की सेहत को लेकर जो अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक सिद्धू ठीक है, उन्हें गेहूं से हल्की सी एलर्जी हुई थी। मेडिकल चेकअप्स के बाद उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से अस्पताल से जेल में शिफ्ट कर दिया है।